हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम बनाने वाले हैं और कैसे हमारी ट्रेडिंग रहने वाली है। तो सबसे पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने कम्युनिटी के साथ में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में शेयर करना मत भूलिए। मैंने यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट में वीडियोज़ बना रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी कुछ वैलेबल हो सकती है, किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है, कहाँ पर मेरा बाइंग लेवल रहता है, किस तरह से मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूँ। साथ में मैं डेली मॉर्निंग में भी आपके लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपको कुछ लर्निंग हो सकती है और मार्केट काफ़ी अच्छा उसी बेस पे रिएक्ट करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट अभी पोस्ट किया था कि मार्केट के लिए जो जोन क्रिएट कर रहा है, पूरे दिन इसने जो लेवल बनाया था अभी इसके आसपास था, उसके बाद में नेक्स्ट उसमें मैंने आपके लिए पोस्ट किया था कि 750 के नीचे बड़े मूव हो सकते हैं, लेकिन मार्केट भी पूरा एक घंटे बिता दिया है, इससे नीचे नहीं गया है। तो अब इसकी बेस पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमने 750 के नीचे यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी थी कि डाउन साइड मार्केट जाने वाला है, लेकिन अगर डाउन साइड ये निकलता है तो इसके लिए जो टारगेट निकल के आ रहा है लगभग 400 से 500 के अराउंड में आ रहा है। 500 तो इसको आना चाहिए, उसके बाद में 400 भी हो सकता है आए, लेकिन इसका फॉलो अप डाउन साइड आना चाहिए क्योंकि 750 का लेवल अभी स्ट्रांग बना हुआ है, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और स्ट्रांग इस कारण से है क्योंकि ये आप देखेंगे 27 की ओपनिंग इसी बेस पे है, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और साथ में यहाँ पे जो क्लोजिंग और ओपनिंग आज की टोटल हुई है, मार्केट इसी लेवल पर घूम रहा है लगभग 800 से लेकर 750। 50 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर 8 बजे के बाद में, अभी 2-3 मिनट के बाद में मार्केट डाउन मूव अगर करना स्टार्ट करता है 750 के नीचे, तो फिर हमारे लिए 64,400 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। 300-400 पॉइंट का डाउन मूव पॉसिबल है, लेकिन ये कोई सेवर शॉर्ट नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे 750 पे बाई कर रखा है तो आपको 65,000 पे लगभग 200 पॉइंट पे आपका एसएल होना चाहिए था। अगर आपने एसएल लगाया होगा तो आप कुछ लर्निंग कर रहे हैं और डेफिनेटली धीरे धीरे करके आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। अब इसके साथ में हम अगर फर्दर और थोड़ा सा मूव देखते हैं तो डाउन मूव था मॉर्निंग में, मैंने आपके लिए बोला था मार्केट को आज थोड़ा पॉज लेना चाहिए, तो मार्केट ओपन होता है उसके बाद में 200-300 पॉइंट ऊपर जाता है, उसके बाद में डाउन मूव आ जाता है। अब फर्दर ये एक रेंज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब रेंज के विषय में मैं आपको रेगुलर बेस से बताता रहता हूँ, जितनी रेंज बनाती है उसका एटलीस्ट वन टाइम तो मूव करता ही है। 750 के नीचे ये कम से कम 200 पॉइंट से 250 पॉइंट का मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके नीचे ब्रेक होने के बाद में देखते हैं मार्केट करता है या नहीं करता है। उससे पहले हम 4 आवर सेटअप में देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये 4 आवर सेटअप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी साइकोलॉजी के लिए, साथ में हमारी ट्रेडिंग स्किल के लिए। कंटिन्यू ये मार्केट ने जो रेंज बनाया था, अगर आपने इसको देखा होगा तो मैंने आपको ये जोन आपके लिए दिया था, उसके बाद मार्केट ज़बरदस्त मूव अपसाइड के लिए करता है। लेकिन इसके साथ ही अभी आज का जो इसने पूरे दिन का रेंज बनाया है मार्च का, ये लगभग 3 कैंडल है, तीनों कैंडल एक दूसरे के आसपास है और साथ में थोड़ा सा ये अभी जो करंट कैंडल चल रही है ये डाउन मूव दे जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो इसकी प्रीवियस दोनों कैंडल उसके नीचे का मूवमेंट कर रहा है। लेकिन 750 का लेवल अभी इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक कि यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरा ये लेवल है। तो इसके नीचे अगर निकलता है तो हमें अच्छी मूव डाउन मूव के लिए निकलने चाहिए। अब इसके मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या करने वाला है, कैसे इसमें मूव होने वाले हैं, क्योंकि हमें जस्ट प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करना होता है। हमने बाई कर रखा है, हमारा 65 के अराउंड में हमारा स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है तो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, जो हमने कुछ अर्निंग किया था उसमें से हम थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस देने के लिए भी हमें रेडी रहना होगा। इस बेस से हमारी ट्रेडिंग रहती है और स्किल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होती रहेगी, साथ में साइकोलॉजी भी आपकी बिल्टअप होती रहेगी। अब इसको रोक कौन रहा, अगर इसको आप देख रहे हैं तो ये लेवल इसके लिए दोबारा से रोकने का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, साथ में ये कैंडल का फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट देखते हैं धीरे धीरे करके अगर नीचे की तरफ निकलता है, ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन मूव होने के चांसेस है, लेकिन इनकेस यहाँ से रिवर्स होता है तो दोबारा से ये लगभग ऊपर की तरफ जो इसने आज का डे का हाई लगाया हुआ है वहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। अब साथ में डेली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में भी काफ़ी कुछ पॉज टाइप का कैंडल बनाने की कोशिश किया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको मॉर्निंग की एनालिसिस में बोला था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन मूव कर चुका है, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने के साथ साथ थोड़ा रुकना चाहिए, जो कि एक पॉज टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। तो आप यह देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों मूव को अगर आप देखते हैं तो एक पॉज टाइप की कैंडल बनाया है, बस इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, कलर से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर क्लोजिंग ऊपर हो जाती है और थोड़ा सा इसको 65 के ऊपर निकलना स्टार्ट होता तो फिर ऊपर के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। मार्केट है, देखते हैं किस तरह मूव रहता है, क्योंकि जब भी मूवमेंट होगा ज़बरदस्त मूव होने के चांसेस हैं। अगर ये इसका डाउन
बॉटम बन चुका है। तो बॉटम बनने के लिए ऐसा कोई हिडन रूल नहीं होता है, मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आया है, पॉज लिया है, इसके बाद फर्दर थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए, फिर 66 के ऊपर ही हम थोड़ा सा इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो लगभग मार्केट 870 880 के अराउंड में चल रहा है और कैंडल थोड़ी सी पॉजिटिव बन गई है, लेकिन हम इसमें अगर मार्केट जो इसका 65,000 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हमें यहाँ से निकलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहे। अगर हो सकता है यहाँ पे आपको SL हिट होता है, SL भी लेना एक अच्छी बात है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा पूरा चेंज हो सकता है। 65,200 का लेवल यहाँ भी अभी इंपॉर्टेंट बना हुआ है, देखते हैं मार्केट कैसा सेंटीमेंट बना रहा है। साथ में सपोर्ट लेवल था जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उस सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट किया है, ब्रेक नहीं किया है, तो देखते हैं जैसा मूव रहेगा आपको उस बेस से ट्रेडिंग करना है। अगर स्टॉप लॉस होता है डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। 750 के नीचे अगर मार्केट दोबारा से जाने की कोशिश करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि लगभग 300 पॉइंट का डाउन मूव ये दिखाना चाहिए, देखते हैं क्या होने वाला। थैंक यू फ्रेंड्स।